नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा राजन भाई और मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और ये भाई इंडिया से आए हैं, इंडिया का टी शर्ट भी पहने हैं नए, तो इनको कैसे आए हैं, कौन कंपनी में आए बताएंगे दोस्त। इससे पहले आप लोगों को खुशखबरी सुना रहे हैं दोस्त, मेरे चैनल पर ऐड हो चुका है और आपका भी भाई एक यूट्यूबर छोटा मोटा बन चुका है आप, ठीक है दोस्त। तो ये मैं जो जिसके थ्रू हुआ है, हम तो थोड़ा पढ़े लिखे कम है दोस्त, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो जिनके माध्यम से हुआ है वो अभिषेक सिंह है, वो मेरे भाई है, दोस्त है, बहुत बचपन का ही दोस्त मानिए, और वो बहुत अच्छे आदमी है। तो प्लीज़ उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनका ज़िंदगी भर हम एहसान मंद रहेंगे, क्योंकि हमको सारा लाइन रास्ता वही दिखाए हैं कैसे क्या करना है और हमको सिखाते ही रहते हैं वो, और अच्छा अच्छा बात भी सिखाते हैं। आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के नीचे में उनका भी लिंक मिल जाएगा। अभी की बात उनका चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके और उनसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अच्छा अच्छा बात पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं, उनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उस पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। और उनसे अच्छा अच्छा सीखने के लिए उनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा अच्छा बात सीखिए। और अच्छा, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, कभी किसी को गलत राय नहीं देते हैं, कभी किसी को गलत बात नहीं बताते हैं, ठीक है। तो उनको आप लोग फॉलो कीजिए और अच्छा अच्छा उनसे बात सीखिए, ठीक है दोस्त। तो इतने में बोलते हैं दोस्त, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये भाई मेरे इंडिया से आए हैं और कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, अभी कितने दिन हुआ है सब बात बताएंगे दोस्त, और कहाँ के रहने वाले सब बात बताएंगे। तो इनसे हम आज मिले हैं, बहुत अच्छा लगा हमको भी मिलकर, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर थे, मेरा बहुत दिन से वीडियो देख रहे थे और आए हैं, तो हमको फ़ोन किए, हमको मैसेज किया, हम इनको फ़ोन किए, बात किए, बात हुआ हमसे, हम लोग को मुलाकात हो गया, और क्या क्या हुआ ये बताएंगे दोस्त। हम कैसे हैं, हम अपने मुंह से तो अपना बात नहीं बता सकते, मेरे भाई बताएंगे। बताइए भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भाई हम सिवान के रहने वाले हैं, ग्राम खैराटी उदो, पोस्ट मठिया, थाना दरौली, अच्छा, जिला सिवान, बिहार। अच्छा, तो आप कौन कंपनी में आए हैं? अलिया मामा कंपनी का नाम है, हम मैकेनिकल हेल्पर में आए हैं। अच्छा, हेल्पर में आए हैं, तो आप वहाँ कैसे आए यहाँ पे, इस मतलब ये हमारे एक दोस्त हैं रियाद में, उन्होंने बताया कि इस कंपनी का वीजा अवेलेबल है, आ जाओ। अच्छा, वहाँ कोई ऑफिस में रहा होगा, एड्रेस दिए होंगे, मुंबई ऑफिस से जाके ट्रेन जो होता है अपना इंटरव्यू देखे। अच्छा, तो मतलब वहाँ आए तो कैसे कैसे आए वहाँ, क्या कर, कितना पैसा लगा ऑफिस से? पैसा 65,000 मेडिकल का, 70,000 में टोटल हो गया। दोस्त ये ऑफिस से आए, इनको इनका दोस्त बताया था कि वहाँ जाऊँ, इनका दोस्त जो ऑफिस से आए थे ना वही ऑफिस से भी आए हैं अपना, इनको तो हम पहले जानते नहीं थे। जैसे आप लोग मेरे भाई है, हम छोटा भाई है, वैसे ही मेरे भाई है, हम इनका छोटा भाई है, ठीक है। तो इनसे हम मिले उले अपना इंडिया समझ के, और इनसे हम कुछ सामान भी मंगाए थे क्योंकि आने वाले थे, उस समय हमको फ़ोन किए थे कि भाई हम आ रहे हैं, ऐसा ऐसा बात है, और कंपनी का नाम बताए, तब बोले हम तो बोले यहीं पर है कंपनी इसका, तो हम बोले भाई मेरे लिए सामान लाइए, टी शर्ट मेरे भाई मेरे लिए लाए हैं, ठीक है। अब भी आए सऊदी अरब दम्माम, तो हमसे बात कीजिए दोस्त, आप लोग से भी कुछ सामान वामान मंगाएंगे दोस्त, तो उनका पैसा उसका पैसा दे देंगे, आप लोग निफिक्र रहिएगा, ठीक है दोस्त। और कैसे मतलब क्या क्या हुआ मेडिकल उडिकल में? मेडिकल उडिकल में तो गमका का मेडिकल होता है, अच्छा। चाहे आप कुवैत जाओ, सऊदी जाओ, ओमान जाओ, इस सब जगह में गमका का मेडिकल होता है। गमका का हमारा मेडिकल हुआ, 5,500 रुपया लगा, जैसे 4,500 रुपया का वो वहाँ दिए, 5,000 मेडिकल पे दिए, और अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो 800 रुपया ऑनलाइन का पर्ची कटा है सब। तो दोस्त कहीं भी जाइए आप इंडिया में, अगर बेरोजगारी बैठे हैं, कुछ नहीं बुझा रहा है, तो कहीं भी चले जाइए सऊदी में, जो 4 साल बिताइए, अपना पैसा कुछ पूंजी हो जाए तो अपना कुछ बिजनेस खोल के बैठ जाइए। ये नहीं कि आप सऊदी अरब में आइए, कहीं भी जा सकते हैं, बहुत कंट्री है, दुबई, कतर, बहरीन, बहुत सारा अच्छा अच्छा कंट्री है, वहाँ पर जाइए अपना, जो आप जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है उस चीज़ में जाइए, ठीक है दोस्त। हम कोई दलाल नहीं दोस्त, हम कोई बीजे काम नहीं करते हैं, बस एक ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। तो आप जो आए वहाँ से, मेडिकल हो गया, उसके बाद क्या हुआ आपका? मेडिकल हो गया हमारा, 15 दिन में वीजा स्टैम्प हुआ, उसके बाद अच्छा। मैं दिल्ली ही था, दिल्ली से बारे चला आया। अच्छा, दिल्ली में आप रहते थे? मुंबई में हमारा एक दोस्त थे, उनके पास रहे 2 दिन। अच्छा, अच्छा। उसके बाद हमारा टिकट पासपोर्ट मिला और हम अपना चले, हमारा 21 को फ्लाइट हुआ, 9 बजे रात में था, हम 22 को यहाँ आ गए। अच्छा, यहाँ पर आए तो यहाँ से कोई दिक्कत हुआ आने उने में? नहीं भाई, कंपनी अच्छी है, कंपनी को फोन किया हमने, और 6 लोग आए थे हम लोग। अच्छा, आप 6 लोग थे? 2 आदमी इलाहाबाद के थे,
और दो आदमी चेन्नई के, एक आदमी आजमगढ़ के सुल्तानपुर, और मैं एक था सिवान का। छह आदमी थे, छह आदमी एयरपोर्ट पे आए, फोन किए कंपनी को, कंपनी ने अपना गाड़ी भेजा, हम लोग गाड़ी से आ गए। अच्छा, और आए उसके बाद जो खाना पीना की व्यवस्था वो कंपनी ने दिया। अच्छा, कंपनी मतलब आए तो दो तीन दिन, कैसे खाए मतलब कितना दिन हो गया आपको आए हुए? एक हफ्ता होने वाला है, 21 को आए। देखिए दोस्त, इनका ये पासपोर्ट है, अभी पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी जाइए अपना पासपोर्ट रखिए 3 महीने तक, जब तक यहाँ का आईडी प्रूफ नहीं बन जाए, आपको अकामा नहीं बन जाए, बिना पासपोर्ट के कहीं नहीं जाए दोस्त, क्योंकि यहाँ कानून बहुत सख्त है। आप बिना अकामा पासपोर्ट के पकड़ाइएगा, सीधे जेल में जाइएगा, उसके बाद इंडिया जाइएगा, ठीक है दोस्त? तो कहीं भी नए आदमी आए तो बिना पासपोर्ट के कहीं नहीं जाए दोस्त, पासपोर्ट अपने पास में लेकर जाए। और जब यहाँ आए तो दो तीन दिन मतलब शुरुआत कैसे आपको पैसा मिला, कैसे कंपनी कुछ खाने होने के पैसा दिया? शुरुआत में आए तो एक दो दिन तो अपना खाए, मतलब इंडिया का जो पैसा लाए थे तो 5-6 रियाल 10 रियाल खर्चा हुआ हमारा, 2 दिन खाए, उसके बाद से हमें 250-250 रियाल मिल गया कंपनी के थ्रू, कंपनी वाला दिया। तो उसके बाद सब एक हफ्ता से खा रहे हैं। कितना दिन हुआ आपको भैया? एक हफ्ता हो जाएगा कल। कल एक हफ्ता, 22 को आए थे, कल 28 है, यानी एक हफ्ता हो जाएगा। कैसा कंपनी है आपका, कौन कंपनी? हमारा अलयामामा कंपनी है, 91 में, मतलब एक जगह है सऊदी में, 91 ही उसका ऑफिस है, वहीं हम लोग ठहरे हैं। अब हमारा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। अच्छा, आपका यहाँ से ट्रांसफर हो गया? जितने इंडियन आदमी थे सारे को इंडियन आदमी को भेजा है रियाद। अच्छा, यहाँ जो आपका ऑफिस है, यहाँ जितना आदमी आए इंडियन आदमी सबको रियाद भेज रहा है? रियाद में कोई नया साइट चालू होगा वहीं भेज रहा है। अच्छा, और मतलब हर जगह के इंसान, यहाँ पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं, तो इंडिया को अलग रखता है, पाकिस्तान को अलग, बांग्लादेश को अलग। अच्छा, सबका रूम बना हुआ है, सबका अलग अलग कैंप है। और कंपनी हमारी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। लोग तो मुझे पहले बहुत डराते थे कि सऊदी में ये है वो है, मतलब दिक्कत है, समय से सैलरी नहीं मिलता है, बहुत वहाँ धूप निकलता है, वो तो है। तो आपको सैलरी का तो ये पता चलेगा, एक महीना बीतेगा तब ना आपको सैलरी, वो तो सैलरी आपको मतलब आए होंगे तो, जैसे आपका कंपनी में और आदमी होगा वो सब बताता होगा ना से कंपनी, वो तो कंपनी में आने पर ही पता चल जाता है कि कंपनी का रूल रेगुलेशन क्या है, कंपनी का मतलब उसका प्रोग्रेस क्या है, कैसी क्या करती है। आपको कुछ कोई बताया कि नहीं सैलरी टाइम पर मिल रहा है कि नहीं? सैलरी तो 1-2 तक बोले हैं, हम लोग आए हैं तो 250 रियाल दिया है, बहुत अच्छा। और अभी बैठा कर हम लोग जितना भी बैठेंगे सैलरी देंगे, क्योंकि हमारा बेसिक सैलरी है 1000+200 है। अच्छा अच्छा, जैसे जैसे काम करेंगे अपना वो बढ़ा देगा। और कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मुझे फील हो रहा है अपने गांव की तरह, इंडिया की तरह, क्योंकि इंडिया में जैसे है। प्लीज दोस्त, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में भाई राजन भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये भी जो बोलते हैं झूठ साज की बात नहीं है। मैंने भी बहुत इनका वीडियो देखा था यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम, तो मैंने तुरंत इनका नंबर लिया, क्योंकि मुझे सऊदी आना था, सऊदी के बारे में जानकारी लेना था, तो मैंने इनका नंबर लिया और इनसे बोला कि भाई मैंने 2-3 वीडियो भी बनवाया, तो इन्होंने वीडियो बनाया और इनसे पूछा कि सऊदी का स्थिति क्या है, वहाँ का नियम कानून कैसा है, सब इन्होंने बताया। और भगवान की आज किस्मत अच्छा है कि हम लोग एक साथ मिले, इनके रूम में पार्टी भी हुआ, बिरयानी बनाकर हमें खिलाए। बिरयानी कैसे बनाए भाई? बिरयानी तो मतलब बता नहीं, हम तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खा लिए और उसका नाम भी नहीं बता सकती, तारीफ में कोई ऐसा वर्ड नहीं कि मैं आपको बता दूँ। अच्छा अच्छा, ये तो बोल रहे थे कि मुझे आता नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बना दिया, हमें बता सकता है। और अच्छा से हम लोग पार्टी उटी किए, खाए पिए। आप जो यूट्यूब पे हमको वीडियो देखते थे उससे कुछ अलग दिखे हम आपको? नहीं भाई, अलग नहीं, सेम जैसे आप बोलते हो वीडियो में वैसे यहाँ भी है, क्योंकि दोस्त हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस जो भी बोलते है दिल का साफ है, जो दिल में वो जवान पे वो बोल देंगे, और जो भी हमसे कुछ बोलने में जो भूल हो गलती है उसको माफ कीजिए आप लोग, छोटा भाई समझ के अपना। देखिए छोटा भाई नहीं, आदमी हर एक इंसान को जब कुछ जानकारी देता है तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, लेकिन ये जो भी है ये मतलब झूठ साँच, ये आपको जानकारी नहीं देंगे। हमारे यहाँ बहुत चर्चा इनके संग महसूस हुआ, हमारे ये भी बिहार के ही हैं, लेकिन इनका घर हमारा घर थोड़ा दूर है, ये मुजफ्फरपुर के, हम सिवान के हैं। हम आए तो हमको सऊदी में अपना गाड़ी से अपना घुमाए, इधर पूरा टूर कराए, घुमाए फिराए, फिर मॉल वॉल में गए हम लोग, मॉल वॉल में गए, फिर मॉल वॉल का फोटो आपको दिखा रहे हैं, बिरयानी का भी, बिरयानी का भी फोटो दिखा रहे हैं, बिरयानी बना के खिलाए भाई, वो बनाने यूट्यूब पर देख के थोड़ा सा अच्छा बनाया। आपको झूठ सच बता दें, ये राजन भाई दिल के साफ आदमी है जो भी है, ये देख लीजिए बिरयानी का फोटो, इसमें चिकन बिरयानी बना के खिलाए भाई को हम, उधर कीजिए, हाँ ये देखिए इसमें रखे थे हम लोग, ये देखिए हम लोग खाते समय का वीडियो है, फोटो खींचे थे, इनके रूम पे आए थे हम, बहुत अच्छा हमारा इन्होंने रिस्पेक्ट किया, खाने पीने से लेकर जी गए थे हम लोग मॉल में सामान वामान लेने, वहाँ का ये फ़ोटो लिए एक संग,
ये मेरा मेडिकल कार्ड है, जो मेडिकल कार्ड बना है एक हफ्ता में मेडिकल कार्ड भी बन गया आपका, दो दिन में बन गया। और अकामा अप्लाई हुआ है तो अकामा बन के आएगा, एक महीना लगे चाहे 20 दिन लगे, तब तक मेरा यही आईडी है, इसी आईडी से मैं घूम रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा है उसके लेकर जाना पड़ रहा है, नहीं तो सुरता लोग पकड़ के पैक करके इंडिया भेज देगा उसका कंपनी। भाई यहाँ का जो नियम है बहुत अच्छा नियम है, यहाँ का गुड नियम है, हर चीज का मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है, जो अच्छा से समझ गया कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा है यहाँ पे उनके लिए अच्छे है, जो बुरा है उनके लिए यहाँ बुरा है। बुरा ये तो बात है, जो यहाँ क्योंकि आप जो यहाँ का जो कानून है उसके फॉलो कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, जो नियम कानून है उसका फॉलो करके चलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे वो नहीं है कि आपको जबरदस्ती कोई पुलिस वाला पकड़ के मारने लगा, वो नहीं, आप सही है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त। आपको कोई इंडिया से यहाँ कोई अलग लगा? नहीं भाई, मुझे तो इंडिया की तरह ही यहाँ फील हो रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ा भी इधर नहीं लगा, मैं दूसरे कंट्री में हूँ। और हमसे मिलके तो और लगा होगा, अपने से इनसे मिलके तो मुझे लगा हम घर में है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आदमी जब अपने गांव से जैसे सिवान हुआ, मुजफ्फरपुर, बिहार हुआ, बिहार से जब दिल्ली आदमी जाता है, चाहे दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, वैसे ही फील हो रहा है, हम इंडिया से यहाँ है। मुझे तो थोड़ा मोटा दिक्कत होगा दोस्त, क्योंकि नया है एक दो महीने, फिर सेटल हो जाएंगे, खुद हीरो हो जाएंगे दोस्त। दिक्कत कुछ नहीं होगा, देखिए जो गांव में मुंह माया लेकर आते हैं उनके लिए दिक्कत है, और लाइफ में कुछ करना है तो हर चीज त्याग के आइए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। आप इंडिया में क्या काम कर रहे थे? इंडिया में तो मैंने अभी पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया और सेफ्टी में कम्प्लीट किया, उसके बाद से मैंने वीजा लगवा दिया दोस्त। हम कहते हैं चलो कोई जरूरी नहीं, वहाँ जाकर अपना ट्रेड चेंज करवाया जाएगा, तो मैं ट्रेड आया और इंजीनियर से बात भी किया है अपना ट्रेड के बारे में। तो दोस्त आप लोग भी कोई कंट्री में जाइए, अच्छा जॉब कीजिए, इंडिया में अगर कर रहे हैं अच्छा जॉब तो कोई दिक्कत नहीं, अपना इंडिया भी अच्छा है, वेरी गुड है। अगर जो किसी कोई बेरोजगार बैठे हुए हैं तो प्लीज आप लोग जाइए कुछ आगे करने के लिए, जो नहीं है, जो जिनको कोई दिक्कत है वही जाए सऊदी अरब, भाई जो सऊदी अरब नहीं मतलब कोई भी विदेश में जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सऊदी अरब में हम बुला रहे हैं, अच्छा अच्छा बहुत जगह है सऊदी अरब में भी है, ये नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं कि हम दलाल उलाल नहीं है, आपका छोटा भाई है बस, हम ब्लॉग बनाते हैं और भाई मिले दिन का भी वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं भी जाइए अपना आगे का कुछ भविष्य देखिए। और देखिए दोस्त जिनको कोई दिक्कत होता है वही विदेश आते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है घर में सब चीज़ें तो कह ली विदेश आएगा, अपना गाँव में उनको किसी हमको चाहे इनको किसको नहीं मन रहता है अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन कुछ करने के लिए ऐसा बात नहीं, दिक्कत नहीं होता है, किसी किसी इंसान के पास जुनून होता है कि हम बाहर जाकर ज्यादा पैसा कमाएं। अच्छा, अपने इंडिया में मजदूरी के हिसाब से वर्करों का शोषण होता है। अच्छा, हमारे यहाँ भी जो काम है वो इंडिया में भी लोग करते हैं लेकिन वहाँ सैलरी कम है। यहाँ अगर एक नॉर्मली हेल्पर आया है तो उसका स्केल है 16,000 रुपये, काम करो या ना करो, काम है तो करो, नहीं तो आपका अकाउंट में पैसा आएगा, और वहाँ स्टार्टिंग सैलरी 8,000-7,000 और भी 9,000, ज़्यादा ज़्यादा 10,000-12 घंटे का, उसमें आदमी खाएगा कि बचाएगा कि घर पे भेजे क्या करेगा, तो लाइफ में कुछ करना है तो आप अपना स्किल लीजिए, टैलेंट रखिए, या कहीं भी एनी वेयर इन द वर्ल्ड मतलब कहीं भी जा सकते हैं और जाकर अपना हुनर दिखाइए। अपने इंडिया में भी है अच्छी अच्छी कंपनी, इंटरव्यू फेस कीजिए, ज़्यादा टैलेंटेड है तो इंडिया में भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, अब वहाँ भी जॉब अप्लाई करके अपना पा सकते हैं, लेकिन मुझे मतलब मुझे शौक था कि मैं बाहर ही जाकर कमाऊँ, मुझे विदेश आने का, मैं बहुत शौक था कि मैं विदेश जाऊँ चाहे सऊदी हो चाहे कोई भी। तो आपको डर नहीं लगा विदेश? नहीं, मुझे विदेश आने में ये डर लग रहा था कि सऊदी कैसा होगा, कैसा माहौल होगा, अब आ गए थे यहाँ मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा, बस एक ही है कि मेरे अपने आप को इंक्रीज करूँ आगे लाइफ में आगे, बस यहाँ आए तो नियम लगा 2 साल रहना है हमको, बस घर परिवार को याद ना आए, बस हम आए हैं कुछ पाने के लिए। अच्छा, अब गांव का मुंह माया रखेंगे तो नहीं बन पाएगा, हम आए हैं कुछ करने के लिए, अपना टैलेंट दिखाएं, यहाँ जो टैलेंट है आगे बढ़े और अपने घर वाले फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है तो देखें खुशहाल रहे। अपने दिक्कत हो तो सही लेकिन परिवार थोड़ा सुख में रहे तो आदमी दुख उठाता है, क्या करे भाई। इसका एक सपना होता है, हर इंसान का सपना होता है कि हम लाइफ में कुछ करें, हमने भी बहुत, आपके छोटे गाजन भाई को भी कुछ सपना है, अपना आशीर्वाद बनाए रहिए और मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, और जो भी नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ भाई, राजन भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है, दिल का अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। हम आए तो इन्होंने बोला कि पैसा वैसा देता हूँ लेकिन हमने नहीं लिया। हाँ भाई, दिल जो मेरे दिल में वो जवान पे है, नहीं कि जो दिल में वो जवान पे नहीं है वो नहीं, बनाओ कुछ नहीं बोलते, जो दिल में आता है वही बोलते हैं, दिल का स्क्रिप्ट लिख के नहीं रखे वो बोलते हैं नहीं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं, जो भी गलती हो प्लीज माफ कीजिएगा। और ये भाई आए थे तो हम इनको बोले थे भाई आपको कोई कुछ पैसे हो सका मदद चाहिए तो बोलिए हम पैसे देते हैं, क्योंकि आप इंडिया के कुछ खाने पीने में आप नए आए दिक्कत होगा, तो भाई बोले नहीं हमको है, तो हम बोले चलो कोई बात नहीं, हमको पूछने का हक था, अब मेरे एक सब्सक्राइबर थे, एक मेरे भाई है, इंडिया का आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है,
मैं अपने कैंप से जब इनको फोन करता हूँ, अपना कार लेकर आ जाते हैं हमें घुमाने, टूर भी करवाया सऊदी का दमाम। भाई का भी काम नहीं है आज भी, मेरा छुट्टी था। हमारा भी काम चालू नहीं है, कंपनी में घर में सोए सोए टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे सोचे थोड़ा घुमाए, हम दोनों एक साथ दोस्त हैं तो घुमाए। घुमाए इन्होंने पूरा दमाम, देखा है अच्छा सिटी है। अब हम लोग हमारा हमारे कैंप में जितने इंडियन आदमी हैं उन सबका ट्रांसफर हुआ था, हम सोचे भाई साहब से थोड़ा मिल ले आज, मिल उल कर अच्छा से विदा हो ले। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। हम लोग भाई को हम छोड़ने आए, इनके क्या बोलते हैं, हम इनके कैंप पे छोड़ने आए हैं, और आप अच्छे रहिए भाई, आगे कुछ कीजिए, बस भगवान हमारी जोड़ी बनाए रखे, मतलब आपसे हमारी मुलाकात होते रहे रहेगा भाई, इंसान ने कहीं ना कहीं मिलते रहे। देखिए इंसान का पैसा बड़ा नहीं, इंसान का इंसानियत होना चाहिए, वही काफ़ी है लाइफ में। चलिए सब ठीक है भाई लोग, आप राजन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक इनका कोई दोस्त है अभिषेक सिंह सिवान के ही हैं। हाँ भाई, उनका भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बोलते रहे उनकी क्या तारीफ करें, वो हमको बहुत मदद करते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, जो भी मेरा काम रहता है वो भाई करते हैं। तो प्लीज़ उनका चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप, वो अच्छे अच्छे बात भी बताते हैं और जो भी नए बातें सिखाते हैं। उनका ए बी की बात चैनल का नाम है, और उसका डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल के नीचे भी उनका लिंक है, उस पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त। तो देख रहे हैं दोस्त, इंडिया का आदमी है, अभी नए पूरे इंडिया का जलवा दिखा रहे हैं। जय हिंद दोस्त, जय भारत, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कुछ बेस्ट ऑफ लक इंडिया के, मैं कुछ बात सुना था, कोई दोस्त है उनको बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं, बहुत हमारे दोस्त है, लेकिन वो वीडियो अगर जो दोस्त हमारे देखेंगे ऑटोमेटिक हमारे पास व्हाट्सएप, ईमो पर, फेसबुक कमेंट आएगा, तो ये पूरा दुनिया देखेगा। कोई दोस्त है उनको कुछ बोल दीजिए, अपना जो पर्सनल आपका दोस्त है कुछ बात बोल दीजिए। कुछ हमारे दोस्त है जो वो आना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। बस मैं उनको बोलूंगा कि आप सही एजेंट के द्वारा आइए, सही ऑफिस के द्वारा आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेहनत करने का जुनून रखिए कि लाइफ में आगे भाई हमको जॉब के लिए फोन नहीं कीजिएगा। अच्छा राजन भाई को, भाई आप परेशान मत करिए, जॉब नहीं करवाते हैं ना वीजा लगवाते हैं, बस इनका काम है सऊदी ब्लॉग व्लॉग थोड़ा मोड़ा, अच्छा अच्छा ब्लॉग हम बनाते हैं, कहीं जाते हैं अच्छा वीडियो मिल गया, जैसे आप आएंगे, अब भाई है मेरे, आपसे बात करेंगे अच्छा लगेगा, आपका भी वीडियो बना के डालेंगे, आपका फीलिंग बताएंगे। जैसे हम भी आए थे इनके रूम पे खाना वाना खाने, पार्टी उटी हुआ, ये बोले कि एक वीडियो बनाएंगे, चलिए बनाइए कोई दिक्कत नहीं, क्राइम थोड़ी हो रहा है, अपना अपने भावनाओं को फीलिंग कर रहे हैं, यहाँ का माहौल कैसा है सऊदी का वो बता रहे हैं। तो और कुछ बात नहीं है दोस्त, वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया दोस्तों, आपसे हम लोग माफी मांगते हैं, और भाई देव अगर समय मिले तो 2 मिनट निकाल के देख लीजिएगा ये वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब कर ले, जो भी आना चाहते हैं आप अच्छा ऑफिस से आइए दोस्त। और आने के लिए ऑफिस का हमको कोई मालूम नहीं, कोई ऑफिस के बारे में हमको नहीं, फॉलो कीजिए, हमसे बात नहीं कीजिए, हम ब्लॉग बनाते हैं, अच्छा ब्लॉग देखने के लिए आप इनका वीडियो देखिए, इनको कमेंट करिए, आप सऊदी आ रहे हैं तो इनसे पूछ लीजिए सऊदी के बारे में, अगर सऊदी का एड्रेस कंपनी का नाम दे दीजिए, ये पता करके बता देंगे कहाँ पर है कंपनी, ये बता सकते हैं, और क्योंकि कंपनी के हम हाउस ड्राइवर है, हम कंपनी कैसा कैसा कंपनी वो भी नहीं बता सकते, अच्छा सब रहता है भाई, किसी को खराब नहीं बोल सकते हम, ठीक है, पांचों उंगली पांच बराबर है, एक बराबर है नहीं समझ सकते, इतना ही से दोस्त, ठीक है, इतने में हम आपसे विदा लेते हैं, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो गया, जय हिंद जय भारत भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो अभी की बात है वो मेरे दोस्त नहीं मेरे भाई है, दोस्त तो है ही लेकिन भाई उनको मानते हैं, तो प्लीज जय हिंद जय भारत, और पूरा एकदम शेयर कर दीजिए वीडियो को, और ये भाई को पूरा सिवान में दिखा दीजिए, इनके दोस्त के पास इनका वीडियो पहुंचा दीजिए, क्या हमसे मिलके कोई नहीं लगा कि गैर आदमी से मिले, नहीं नहीं भाई एकदम भाई की तरह हैं आप। चलिए दोस्त फिर अगले वीडियो मिलते हैं, प्रणाम नमस्कार जय हिंद आदाब जय भारत सत श्री अकाल, और जय हिंद जय भारत, और भाई का टीशर्ट देख लीजिए फिर से दिखा रहे हैं, इंडिया का लोगो है भाई, इंडिया और बिहार बिहार भी है, खाली जिला अलग अलग है, मुजफ्फरपुर सिवान। भाई दोस्त बहुत मस्ती हो गया और वीडियो लंबा हो गया, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ, तो सब्सक्राइब कीजिए एकदम धमाकेदार, और शेयर कर दीजिए, और जो भी कोई बोलने में हमसे गलत हो प्लीज छोटा भाई समझ के हमको माफ कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है दोस्त, क्योंकि मजबूरी था इसलिए पढ़ नहीं पाए, तो प्लीज जो भी हमसे गलत हो प्लीज माफ कीजिएगा, अपना छोटा भाई समझ के, बाय, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।